हेलो एवरी वन वेलकम टू माई चैनल कामस एंड एकमिक्स आज हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन पार्ट टू पार्ट वन वी है वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ़ पार्ट टू इज जी डी पी डिफ्लेटर जैसा कि आप देख सकते हैं ऑन द स्पेज जी डी पी डिफ्लेटर जी डी पी डिफ्लेटर क्लास ट्वेल्थ और इलेवन के हिसाब का कंसेप्ट नहीं है थोड़ा हाई लेवल्स पर पूछा जाता है एंड ज़्यादा पूछा जाता है तो इसमें सिर्फ बेसिक मीनिंग समझेंगे जी डी डिफ्लेटर के बारे में उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं ना वट इज़ जी डी डिफ्लेटर इट इज़ अ रेशियो बिटवीन जी डी पी एट करंट प्राइसेस एंड जी डी पी एट कॉन्सेंट प्राइसेज आपको याद होगा जब हम नेशनल इनकम पढ़ रहे थे तो उस टाइम हमने जी डी पी एट करेंट प्राइस और जी डी पी एट कॉन्सेंट प्राइजेस पढ़ा था जब करेंट प्राइस पे जी डी पी कैलकुलेट हो दैन इट इज़ दिस एंड जब कॉन्सेंट प्राइसेज पे कैलकुलेट हो देन इट इज़ कॉन्सटेंट प्राइसेज और इन दोनों का रेशियो कहलाता है हमारा जी डी पी डिफ्लेटर इट्स सो सिंपल अब आ जाते हैं एग्जाम्पल पे जी डी पी एट करेंट प्राइसिज कब माना जाएगा ओ, uh, नहीं सॉरी जी डी पी एट कॉन्सेंट प्राइसेज इज इक्वल टू जी डी पी एट करेंट प्राइजिज एट दैट टाइम जी डी पी विड बी वन जब जी डी पी एट करेंट इज इक्वल टू जी डी पी एट कॉन्सेंट तो जी डी पी डिफ्लेटर हमेशा वन माना जाएगा और ये वन हमें क्या एम्प्लाई करता है वन ऑलवेज एम्प्लाईज दैट देर इज़ नो चेंज इन प्राइस वन हमेशा क्या एम्प्लाई करेगा दैट देर इज़ नो चेंज इन प्राइस वन एवर जी डी पी एट करेंट इज इक्वल टू जी डी पी एट कॉन्स्टेंट अब आ जाते हैं एग्जाम्पल टू अगर जी डी पी डिफ्लेटर इज़ टू सपोज़ जी डी पी डिफ्लेटर टू है वन से ज़्यादा तो जब जी डी बी डिफ्लेटर वन से ज़्यादा है तो हमें ये बताता है दैट देर इज़ एन इंक्रीज इन प्राइस लेवल प्राइस लेवल में बढ़ गया इंक्रीमेंट हो गया बाई अ फैक्टर ऑफ टू फैक्टर ऑफ टू से इंक्रीमेंट हुआ बिकॉज जी डी पी डिफ्लेटर इज टू सो एवरी थिंग इज अबाउट जी डी बी डिफ्लेटर वन है तो इट मीन्स कि देर इज नो चेंज वन है इट इंप्लाइज की कोई प्लाइस में चेंज नहीं हुआ बट जैसे ही वन से ज्यादा होता है टू थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन इट शोज कि हाँ बढ़ रहा है बढ़ रहा है बाय फैक्टर टू बाय फैक्टर थ्री बाय फैक्टर फोर्थ इट गोज ऑन नाउ दिस अक्लेम्ड इज थॉट टू बी एज द बेस्ट मेजर उसे बेस्ट मेजर माना जाता है प्राइस को मेजर करने के लिए प्राइस के बिहेवियर को चेक करने के लिए इट इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट टेक्निक क्यों बिकॉज़ इट कवर्स ऑल गुड्स एंड सर्विसेज कंट्री में जितने भी गुड्स बन रहे हैं जितनी भी सर्विसेज बन रही हैं सबको वो कवर कर लिया था दैट इज़ वाई डेस्ट मेजर देन कम्स वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये लोगों के ऊपर इफेक्ट इन्फ्लेशन का दो तरीके से पड़ता है किसी को फ़ायदा होता है और किसी को लॉस होता है फ़ायदा वाले गेनिंग वंस ऑल दीज आर द गेनिंग वंस एंड ऑल दी ज़्यादा लूजिंग वंस जिन्हें नुकसान होता है बोरवोज मतलब अगर किसी ने किसी से उधार लेके रखा है डेटर सपोज मैंने आपसे लोन लिया है आपसे नहीं है सपोज मैंने किसी एक्स पर्सन से लोन लिया है तो मैं उसके लिए डेटर हूँ और वो मेरे लिए क्या है क्रेडिटर है एट दैट टाइम इंटरेस्ट ऑफ लोन वॉज़ सम फाइव परसेंट ठीक तो मैंने कहा ठीक है फाइव परसेंट के हिसाब से आई एल गिव यू पे बैक वापस कर देंगे मैंने क्रेडिटर को बोला इन्फ्लेशन आ गया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पाँच परसेंट ही रहेगा नो मैटर इन्फ्लेशन कितना भी आ जाए मेरे को तो पाँच परसेंट पर रिटर्न करना है और जो क्रेडिटर है उसके लिए पाँच परसेंट तो कम हो जाएगा बिकॉज इन्फ्लेशन आ चुका है तो मेरे लिए तो बेनिफिशियल है मेरे को पाँच पे रिटर्न करना है बट फॉर क्रेडिटर उसके लिए नुकसान है उसको वो चीज़ महंगी पड़ेगी मतलब उसके लिए वो उसमें फ़ायदा नहीं है तो इस तरह से डेटर्स जो है वो हमेशा फ़ायदे में रहते हैं अगर इन्फ्लेशन आ जाता है तो उन्हें उसी पुराने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मनी रिटर्न करना होता है वेर एज एट द सेम टाइम द क्रेडिटर्स लूज क्योंकि उन्हें पुराने वाले पे मिलेगा मतलब कम मिलेगा और कौन गेन करता है एक्सपोर्ट वाले एम्प्लॉयमेंट जिनका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है वो गेन करते हैं बिजनेस क्लास बहुत गेन करता है बिज़नेस क्लास जो कि बिज़नेस वाले हैं उनको फ़ायदा होता है उनकी चीज़ें बनती हैं बिकती हैं तो प्रोडक्शन में उनको फ़ायदा होता है बिकॉज एवरी थिंग बिकम सो कॉस्टली सो दे आर गेनिंग और सेल्फ एम्प्लॉयड वाले वही सेम बिजनेस में आ गए न्यूट्रलाइजिंग इफेक्ट इन लॉन्ग रन ट्रेड बैलेंस अगर डेवलप्ड कंट्री है तो ट्रेड बैलेंस में फ़ायदा होगा दे विल बी अ सरप्लस ऑफ ट्रेड बैलेंस नॉट डेफिसिट अगर कंट्री डेवलप्ड है तो एग्रीगेट डिमांड इन्वेस्टमेंट में शॉर्ट रन में फायदा होता है लूजिंग वंस जिन्हें नुकसान होता है वो कौन होते हैं लेंडर्स क्रेडिटर्स अभी हमने एग्जाम्पल से, से क्लियर कर लिया टैक्स पेयर्स को लॉस होता है न और टैक्स पेयर्स को लॉस कैसे होता है बिकॉज एवरी थिंग बिकम्स सो महंगा चीज़ें महंगी हो रही हैं तो हर चीज़ हम जो ख़रीदते हैं हमें उस पर टैक्स देना पड़ता है अब चीज़ें जब महंगी हैं तो ज़्यादा पैसे देंगे ज़्यादा पैसे देंगे इसका मतलब ज़्यादा टैक्स उसमें इंक्लूड हो रहा है सो वी हैव टू पे मोर टैक्स पेयर्स हैव टू सफ़र और एक और तरीके से टैक्स पेयर्स को सफ़र होता है कि उनका जो इनकम होता है वो जो अगर सैलरी क्लास है तो सैलरी तो सेम रहेगी बट इनकम टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा एक्सचेंज रेट को लॉस होता है हमारी जो फॉरेन करेंसी के सामने हमारी जो अपनी करेंसी होती है थोड़ी इन्फेरियर हो जाती है कम्पलसरी इम्पोर्ट्स में लॉस होता है एम्प्लॉयमेंट न्यूट्रल एंड इन लॉन्ग रन एम्प्लॉयमेंट न्यूट्रल है अगर शॉर्ट रन का इन्फ्लेशन है तो न्यूट्रल है बट अगर लॉन्ग रन इन्फ्लेशन आ गया तो एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है वेज अर्नर सैलरी क्लास जितने भी सैलरी या जितने भी फिक्स्ड अर्नर ग्रुप्स होते हैं जैसे कि वेज अर्नर्स हो गए या जिन्हें सैलरीज मिलती हैं जो सर्विसेज करते हैं उन सबको बहुत लॉस होता है अगर उनकी फ़िक्स इनकम है तो सपोज कोई एक पर्सन है उसकी फ़िक्स इनकम है लेट्स टेक एन एग्जाम्पल सपोज़ एक लेबर है जिसे पर डे का दो सौ रुपये मिलता था पर डे वो आटा दाल चावल खरीदता था उसने दस रुपये का चावल खरीदा आधा किलो और उसको बना लिया और अपना खा लिया बट इन्फ्लेशन आ गया बट उसका जो वेज है वो दो सौ रुपये ही है बट जो चावल है वो अब दस रुपये का नहीं है ना इज़ ऑफ रुपीज़ ट्वेंटी उसी हिसाब से आपकी दाल भी महंगी है आपका आटा भी है। Everything becomes महंगा है एवरी थिंग बिकम्स महंगा बाय दस रुपये बाय पाँच रुपए बट हिज़ वेज इज स्टिल रुपीज़ टू हंड्रेड तो इस तरह से अगर आपकी सैलरी है सपोज़ ट्वेंटी थाउजेंड आपको सैलरी कमान आपकी नहीं सपोज़ मेरी सैलरी है ट्वेंटी थाउजेंड तो मैंने क्या किया उस पैसे से मैं अपनी चीज़ें खर्चे पूरे करती थी बट देन वॉट हैपन्स इन्फ्लेशन कम्स अप जब इन्फ्लेशन आ गया तो अब वही सेम सैलरी तो मेरी उतनी है बट आई हैव टू स्पेंड मोर एंड आई एम गेटिंग द सेम अमाउंट वेन एवर द सिचुएशन कम्स तो उसमें तो मेरा लॉस है कि भाई हर चीज़ तो महंगी हो गई एज कम्पेयर टू बिफोर बट मेरे पास जो पैसे हैं दैट इज़ लिमिटेड उस लिमिटेड में हमें अपना खर्चा चलाना पड़ेगा तो चाहे वो वेट जर्नर्स हों चाहे वो सैलरी क्लास हो जिनकी भी फिक्स इनकम कुछ आती है चाहे वो कोई भी काम करते हो दे हैव टू सफो ट्रेड बैलेंसेज अगर डेवलपिंग कंट्रीज हैं तो ट्रेड डेफिसिट्स हो सकते हैं वेर एज ट्रेड में अगर डेवलप्ड इकनॉमीज हैं तो हमेशा फायदा होता है सेविंग्स सेविंग मनी ऐट हो मगर घर पर आपकी मनी पड़ाए आइडल सो इट इज लूजिंग इट्स वैल्यू तो कोई फायदा नहीं है एंड परचेजिंग पावर मतलब मनी मनी तो हम सबको पता है ऑटोमेटिकली लूज इट्स पोटेंशियल एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन तो दिस वॉज ऑल अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपको कभी कभी आंसर में आ जाता है कि बताइए बोर क्या करता है गेन करता है लूज़ करता है बताइए फिक्स अर्नर्स के साथ क्या होता है इज इट गेन और लूज़ तो आपको हमेशा याद रखना है कि किसके साथ क्या होता है अगर यहाँ वहाँ पर आपको याद ना है तो प्लीज़ थोड़ा सा ब्रॉड सोचिएगा इफ़ेक्ट सोच के देखिएगा अपने ऊपर एग्जाम्पल अप्लाई करेगा तो आपको अपने आप से समझ में आ जाएगा अभी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं द वन लाइनर्स आपको पता होना चाहिए पहला है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट द अनएम्प्लॉयमेंट रेट दैट अकर्स एट फुल एम्प्लॉयमेंट वेन द इकोनॉमी इज प्रोड्यूसिंग एट पोटेंशियल आउटपुट हम सब ये अज्यूम करते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है जब एक किसी कंट्री का हर एक बंदा एम्प्लॉयड हो ये हम एक अज्यूम होता है ये फुल एम्प्लॉयमेंट वाला कंसेप्ट तो हर एक कंट्री में अगर फुल एम्प्लॉयमेंट है तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं दैट स्टिल देर इज सम और अदर काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट दैट एग्जिस्ट तो ये चीज़ हमें माननी है कि चाहे कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट ही क्यों ना हो स्टिल देर अकर्स देर स्टिल द देएम्प्लॉयमेंट रेट जिसे कहा जाता है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो कि रिमूव नहीं हो सकता देन कम्स रिफ्लेशन नो दिस रिफ्लेशन एक तरीका है जैसे गवर्नमेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है बट एक्चुअली अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व नहीं कर पाती आपको याद होगा जब हम बिजनेस साइकिल अपना एक कंसेप्ट किया था प्रीवियस से प्रीवियस वाली वीडियो में किया था शायद तो उस बिज़नेस साइकिल में हमने पढ़ा था कि जब रिसेशन आता है तो गवर्नमेंट कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज़ करती है रिसेशन से कंट्री को रिवाइव करवाने के लिए तो वही सारे पॉइंट्स यहाँ पे सेम पॉइंट्स दिए हुए हैं दैट गवर्नमेंट ट्राइज टू रिवाइव फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट से रिवाइव करती है कंट्री को रिसेशन से रिवाइव करती है क्या करती है बाई इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर लोगों के ऊपर खर्चा बढ़ा देती है लोगों के ऊपर ज़्यादा खर्चे करने लगती है रोज उनकी सारी चीज़ें बनाने लगती है डिक्रीज टैक्स लोगों से टैक्स कम लेती है कि लोगों के पास पैसा रहे उन्हें ना देना पड़े उनके पास ज़्यादा देर तक रहे एक्स्ट्रा मनी प्रिंट करती है फिजिकल डिफिजिट को बढ़ा देती है बट अनएम्प्लॉयमेंट डज़ नॉट रिवाइव मच बट अनएम्प्लॉयमेंट पर कोई भी खास फ़र्क नहीं पड़ा ठीक पब्लिक एक्सपेंडिचर आपने बढ़ा दिया ओके टैक्स कम कर दिए ऑल राइट एक्स्ट्रा मनी प्रिंट हो गया ठीक है डेफिसिट फाइनेंस बढ़ गया समझ में आ गया बट अनएम्प्लॉयमेंट वेयर इज़ अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कोई रिवाइवल कुछ कुछ कोई पॉलिसी कुछ स्ट्रैटेजी नो तो रिवुलेशन की सिचुएशन में बाकी सारी चीज़ों को हम टैकल करते हैं बट देर इज़ नो मच इफेक्ट ऑन अनएम्प्लॉयमेंट इशू देन कम्स स्टैगफ्लेशन वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर्स में वन लाइनर्स में दो नंबर के क्वेश्चन में अक्सर पूछ लिया जाता है और स्टैगफ्लेशन तो आपको याद रखना है वेन अनएम्प्लॉयमेंट एंड हाई इन्फ्लेशन को एग्जिस्ट उसे कहा जाता है स्टैकलेशन आपको याद होगा कि प्रीवियस वीडियो जब हम इन्फ्लेशन पार्ट वन कर रहे थे एट दैट टाइम आई हेव टॉट ट्यू फिलिप्सकर्व शायद आपको अब याद आ जाए दिस वॉज फिलिप्सकर्व जहाँ पर मैंने बताया था दैट इट इज़ अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन विच डिनोस दैट देर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है तो इन्फ्लेशन कम होगा चीज़ यहाँ पर पड़ी थी बट कम बैक टू दिस स्टेकफ्लेशन और यहाँ पर हम ये पढ़ रहे हैं दैट इफ देर इज़ हाई इन्फ्लेशन देर इज हाई अनएम्प्लॉयमेंट मतलब दोनों के दोनों एक साथ ऊपर जा रहे हैं एक साथ दे आर कमिंग डाउन मतलब देर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप तो जो स्टेकुलेशन है इट फॉल्सिफाइज फिलिप्स कर्व यह आपको याद रखना है फिलिप्स कर्व को ये फॉल्सीफाई मतलब गलत ठहराता है, है और बोलता है कि नहीं दोनों चीज़ें एक साथ बढ़ती हैं और एक साथ कम होती हैं कम्स इन्फ्लेशन टैक्स वट इज दिस इन्फ्लेशन टैक्स सी नरेज दूसरा नाम है नाव वट इज दिस ड्यूरिंग इन्फ्लेशन पीपल हैव टू मच मनी चेज़िंग लेसर कुछ हम सबको पता है कि मनी बिकम्स डियर और चीज़ें बहुत महंगी मिलती हैं सो वैल्यू ऑफ पेपर मनी इज़ लो पेपर की वैल्यू कम हो जाती है पेपर मनी की वैल्यू कम हो जाती है सो ना इफ़ गवर्नमेंट इज़ प्रिंटिंग करेंसी एट दैट टाइम अगर उस वक्त गवर्नमेंट नोट्स को प्रिंट कर रही है और सर्क्यूलेट कर रही है जब कोई भी पैसे को खर्च नहीं करना चाहता एट दैट टाइम वो मनी जो वो सर्क्यूलेट कर रही है वो एक गवर्नमेंट की इनकम के फॉर्म में अराइज होता है इसीलिए उसको कहा जाता है इन्फ्लेशन टैक्स दैन कम्स इन्फ्लेशन अकाउंटिंग वाउंटिंग ड्यूरिंग इन्फ्लेशन कंपनी प्रॉफिट आर ओवर स्टेटेड या फिर ओवर वैल्यूड सो न्यू कैल्कुलेशन फॉर एडजस्टिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज कॉल्ड इन्फ्लेशन अकाउंटिंग जो अब कभी भी इन्फ्लेशन के टाइम पर कंपनी के प्रोफिट्स या उसके जो अकाउंट्स होते हैं वो ओवर वैल्यू हो जाते हैं बहुत बढ़ बढ़ के हो जाते हैं तो जब वो बढ़ बढ़ के हुए हैं तो उस कैलकुलेशन को एक एडजस्टमेंट रेट पर

इट गोज़ अप एंड डाउन अप एंड डाउन दिस कंसेप्ट इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट बस आपको ये समझना है कि जैसे स्पायरल होता है इट गोज़ अप एंड डाउन अप एंड डाउन ये बस उसी तरह से बिटवीन वेजेस एंड प्राइस दैन कम्ज इन्फ्लेशन प्रीमियम नो दस इन्फ्लेशन प्रीमियम एक ऐसा बोनस होता है जो बोरोर्स को देते हैं बैंक्स जब वो बैंक को मनी वापस करती है ड्यूरिंग इन्फ्लेशन तो कहा जाता है कि इन्फ्लेशन प्रीमियम ले लो पैसे वापस दे दो दैट पर्टिकुलर बोनस जो बोरूअर्स को दिया जाता है फैल द रीपेमेंट ऑफ दियर डेथ्स इज नोन एज इनफ्लेशन प्रीमियम सो दिस वॉज ऑल अबाउट इन्फ्लेशन पार्ट टू एंड द वीडियो इज लेट आई एम सॉरी एंड नाउ आई एम कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन जिस वीडियोज़ आप जैसे जैसे वीडियोज मांगते हैं कि आपको उस टॉपिक पर चाहिए उस टॉपिक पे चाहिए आई एम कंटिन्यूसली वर्किंग सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड थैंक यू ऑल फॉर सो मच पोट सो मच लाइक्स So much comments and all the positive comments. I'm really thankful to each one of you. And surely we'll bring better videos, better or har topic you I am trying my best to cover and give you the best videos. Thank you once again for watching me, for sorry not for watching me for watching the video. And thank you. And give your like, give your comment if you liked it and. Please share this to your friends if you found it fruitful. Thank you once again.